आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी नेता शिवराज सिंह ने कहा, राहुल हुए रणछोड़ गांधी, कर्नाटक सरकार अपने बोझ से गिर जाए तो हम क्या करें। टीम इंडिया की भगवा जर्सी के विवाद में कूदे शशि थारूर, कहा भगवा रंग गौरव देने वाला। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पावर सत्र 12 से, कुल 6 दिन चलेगी विधानसभा। खंडवा में पकड़े गए 20 गौ तस्कर, लोगों ने बांध कर निकाला जुलूस, फिर किया पुलिस के हवाले। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय, एक दो दिन ऐसा ही बना रहेगा मौसम। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक प्रकरण पर पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस से हर कोई निराश है, खुद उनके ही लोग उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। अपने बोझ से खुद गिर जाए सरकार तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी रणछोड़ गांधी बन गए हैं, अब वो रण छोड़कर भाग रहे हैं तो उनके विधायक भी भाग रहे हैं। कर्नाटक में सत्तारूढ़ 13 महीने पुरानी कांग्रेस जनता दल सेकुलर गठबंधन सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस के 8 और जेडीएस के 3 विधायकों ने शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में अपने इस्तीफे सौंप दिए। विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने कहा, मुझे मेरे निजी सचिव से पता चला है कि 11 विधायकों ने मेरे कार्यालय में त्याग पत्र दे दिए हैं, उन्हें उनकी पावती भी दे दी गई है। मैं मंगलवार को उन्हें देखूंगा क्योंकि सोमवार को मैं छुट्टी पर हूं। इधर संकट के बीच बीजेपी के नेता शिवराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम किसी तैयारी में नहीं हैं, हम कौन होते हैं कहने वाले कि सरकार अल्पमत में है, खुद उनके ही लोग उन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। अपने ही बोझ से खुद गिर जाए सरकार तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी के बारे में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी रणछोड़ गांधी बन गए हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल नहीं बनूंगा, वो कहते नहीं तुम ही बनो, बोले नहीं बनूंगा। अब जो अध्यक्ष छोड़ के भागेगा और नाम अजब करवा रहे हैं, कह रहे बोरा जी को बना दो, बोरा जी 100 साल के होने वाले हैं, वो 110 साल के हैं, बोरा जी को बना दो, सिंधे जी को बना दो। माँ और बेटे दोनों ने, श्रीमती सोनिया जी और राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री तो बनाया लेकिन पंजरे का पिंछी बना के छोड़ दिया, कोई स्वतंत्रता ही नहीं थी। टीम इंडिया विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और जहां अब कप के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं, वहीं इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच में टीम इंडिया की जर्सी का रंग केसरिया किए जाने पर विवाद भी शुरू हो गया है। इसी विवाद पर एक बार फिर से कांग्रेस नेता शशि थारूर का बयान आया है। थारूर ने अपने बयान में भगवा रंग को गौरव करने वाला रंग करार दिया है। कांग्रेस नेता शशि थारूर ने एक लेक्चर के दौरान कहा कि ICC के नियमों के अनुसार अगर दो टीमों की जर्सी एक ही रंग की है तो घरेलू टीम को अपनी जर्सी का रंग नहीं बदलना पड़ता, वरन मेहमान टीम अपनी जर्सी का रंग बदलती है, इसलिए भारतीय टीम ने केसरिया और नीले रंग की जर्सी को चुना। थारूर ने कहा कि इसलिए मैंने भी जेब में थोड़ा नीला रूमाल के साथ केसरिया जॉकेट पहनी थी, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भारतीय टीम के समर्थन में पहनी गई थी। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों केसरिया रंग को किसी राजनीतिक विचारधारा के सामने समर्पित करूं? भगवा बेहद ही गर्व करने वाला भारतीय रंग है और यह हमारे तिरंगे में से एक रंग है, इसलिए इसे पहनने में मुझे खुशी होती है। मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। सपना ने रविवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने ये सदस्यता भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत ली। डांसर सपना चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी की सदस्यता अभियान में सपना चौधरी को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह ने पार्टी के एक विशेष कार्यक्रम में बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सपना चौधरी ने मीडिया से कहा कि मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही सपना चौधरी के भाजपा या कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि सभी कयासों को दरकिनार करते हुए उन्होंने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली थी, लेकिन अब जब चुनाव हो गए हैं तो उन्होंने औपचारिक रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली।
हालांकि वे चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए प्रचार करती नजर आई थी। मैंने कुछ सोच के सदस्यता नहीं ली और कुछ काम बिना सोचे समझे भी किए जाते हैं, और मेरे ख्याल से बीजेपी ज्वाइन करना कुछ सोचना नहीं है, बहुत अच्छी पार्टी है और ज्वाइन करने के लिए कुछ सोचना समझना जरूरी नहीं होता, और हम जमीन से जुड़े हुए हैं तो पार्टी की हर चीज से हम प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पिछले दो दिनों से भोपाल, रायपुर, इंदौर, अंबिकापुर, उज्जैन, रतलाम में जोरदार बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों प्रदेशों में अगले दो दिनों तक सिलसिला जारी रहेगा। भोपाल और रायपुर में शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात तेज बौछारें पड़ी। इस सीजन में पहली बार रात भर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक वर्तमान में एक ऊपरी हवा का चक्रवात उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है। गुजरात पर भी एक ऐसा ही ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय है। इसके अतिरिक्त राजस्थान से पश्चिम बंगाल होते हुए एक ट्रफ बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। इस वजह से इन प्रदेशों में बड़े पैमाने पर आ रही नमी मानसून को ऊर्जा दे रही है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एसके डे के मुताबिक अभी एक दो दिन तक बारिश का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। विशेषकर मालवा, निमाड़ और बस्तर क्षेत्र में तेज बौछारें पड़ती रहेंगी। इसके अलावा भोपाल, सागर, ग्वालियर व चंबल संभाग में भी झमाझम बारिश होने के आसार बने हुए हैं। महाकौशल विधि के कुछ जिलों में झमाझम बारिश हुई तो बाकी जिलों में काले बादल छाए रहे। मंडला में सुबह लगभग 10 बजे के बाद फिर बारिश शुरू हुई, जो लगातार जारी है। कभी तेज तो कभी धीमी, पर बारिश का क्रम लगातार बना हुआ है, जिससे नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। वहीं रीवा में दोपहर 3 बजे घने काले बादल छा गए और आधे घंटे तक झमाझम बारिश होने से सड़क तालाब बन गई। पिछले 24 घंटे में बारिश से कई गांव व खेतों में पानी भर गया। बालाघाट में ट्रामा सेंटर में प्रसूता वार्ड में बारिश का पानी भर गया, जिससे प्रसूताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहडोल में दोपहर के समय 2 घंटे से ज़्यादा जोरदार बारिश हुई। डिंडोरी, नरसिंहपुर समेत अन्य जिलों में भी घने बादल छाए रहे और रिमझिम बारिश हुई। रायसेन क्षेत्र में लगातार तेज बारिश के कारण शनिवार को ग्राम बीनापुर स्थित कलऊ पुल पर पानी आने से सागर भोपाल मार्ग घंटों तक बंद रहा। इटारसी में लगातार बारिश के कारण कई हिस्सों में पानी भर गया। जीआरपी थाने में पानी घुसने से वहां पुलिसकर्मियों को कुर्सी पर पांव रखकर काम करना पड़ा। इसी तरह विदिशा, सागर, होशंगाबाद, हरदा, अशोकनगर, राजगढ़ आदि जिलों में भी बारिश हुई। मालवा, निवाड़ अंचल में 4 दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। उज्जैन में शिप्रा, गंभीर और चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शिप्रा में कई सारे मंदिर डूब गए हैं। धार जिले में तेज बारिश से 1 दर्जन से अधिक गाँव में जल जमाव की स्थिति बन गई है। खंडवा में निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम की खबर के बाद अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के लिए विधायकों ने कुल 946 सवाल लगाए हैं। सत्र 12 जुलाई से शुरू होकर 19 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान सदन की 6 बैठकें होंगी। इसमें सरकार अनुपूरक बजट के साथ साथ संशोधन विधेयक भी लाने की तैयारी में है। इधर विपक्षी भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के अनुसार प्रश्न लगाने की निर्धारित समय सीमा में कुल 946 प्रश्नों की सूची प्राप्त हुई है। इसमें 495 तारांकित और 451 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में सवालों की शुरुआत मुख्यमंत्री के विभाग से होगी। सरकार की तरफ से सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किए जाने की संभावना है। अफसरों के अनुसार वित्त विभाग इसकी तैयारी में लगा हुआ है। इसके 4,000 करोड़ के आसपास का होने का अनुमान है। सरकार पंचायत एवं विकास विभाग, गृह, वित्त, उच्च शिक्षा एवं नगरीय प्रशासन के साथ विधेयकों को संशोधन के लिए सदन में प्रस्तुत करेगी। अगली खबर खंडवा से है। खंडवा जिले के खालवा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 8 पिकअप वाहनों में भरकर ले जाए जा रहे गौवंश को पकड़ा है। साथ ही लगभग 20 गौ तस्करों को भी ग्रामीणों ने धर दबोचा। खलवा से 2 किलोमीटर दूर ग्राम सावली खेड़ा में ग्रामीणों ने खुद ही यह कार्रवाई को अंजाम दिया। खंडवा में कुछ लोगों को सूचना मिली कि खलवा के पास कई गाड़ियों से तस्करी करके गौवंश को ले जाया जा रहा है। इसके बाद लोगों ने गौवंश के तस्करों को पकड़ा। घटना की सूचना मिलने के बाद सुबह से ही खालवा में लोगों की भीड़ जमा रही। सभी गौ तस्करों को एक रस्सी से बांधकर पैदल खालवा थाने लाया गया। थाना परिसर में ही जाने से पहले ग्रामीणों ने तस्करों से उठक बैठक लगवाई और गौ माता की जय के नारे भी लगवाए। इसके बाद गौ तस्करों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया है कि गौ तस्कर हरदा जिले से गौवंश को खालवा होते हुए जंगल के रास्ते महाराष्ट्र ले जा रहे थे, जब पशुओं के पास के ही गांव की गौशाला में भेज दिया गया है। खालवा थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह के निर्देश पर पशुओं के अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले मोगट और मूंदी थाना पुलिस ने 96 भैंस जब्त की थी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का संत हिरदाराम नगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी सदस्य बनाने को कहा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय संत हिरदाराम नगर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भाजपा ने इस बार ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। विजयवर्गीय ने बजट को आम लोगों के हित में बताया और कहा, इस बजट से देश की तस्वीर बदलेगी। क्या कहेंगे? देखिए, आज सारे देश में सत्ता बिल चालू हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी में, हमारे गृहमंत्री जी ने तेलंगाना में ताकि हर जिले के लगातार 10 अगस्त तक चलता है। हम 10 अगस्त से प्रत्येक खोली जीत तक जाएंगे। 16 अगस्त से सक्रिय सदस्य बनेंगे, उसके बाद हम प्रक्रिया अभी चलते जाएंगे। रास्ता जन बन नहीं होगा, रास्ते में चलता रहेगा, लगातार। रुक करते हैं भोपाल की खबर का। भोपाल में फिनोमिनल प्लानर ने उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आयोजन में विभिन्न जिलों से आए दंत चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा किए। आयोजन का उद्देश्य दांत की चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ रही टेक्नोलॉजी और सहूलियत के प्रति चिकित्सा को बताना था। भोपाल में फिनोमिनल प्लानर ने उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आयोजन में आए अनुभवी दंत चिकित्सकों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया। दंत चिकित्सकों ने बताया कि कैसे नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से चिकित्सा में नए आयाम कायम किए जा सकते हैं। लोगों में फैली भ्रांतियों पर चिकित्सकों ने अपनी राय देते हुए कहा कि दांत का इलाज सिर्फ दांत तोड़ना और लगाना नहीं, बल्कि इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। कॉन्फ्रेंस में जहां एक और अनुभवी चिकित्सकों ने अपने अनुभव बांटे, वहीं दूसरी ओर यंग डॉक्टर्स ने दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नए गुर सीखे। ये हमारा 5वां इवेंट है। हम सिर्फ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो इनोवेटिव होते हैं, जिससे लोग को अच्छा नॉलेज मिलता है। नॉलेजेबल इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने ये उत्साह टीम के साथ मना के एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था डेंटल वालों के लिए, डेंटिस्ट के लिए, ताकि उनको अच्छा खासा नॉलेज हो। डेंटिस्ट्री और डेंटिस्ट के बीच में एक लिंक बने, दोनों आपस में टीम वर्क कैसे करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे कि कैसे हम स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, और एक अच्छा टीम हो डेंटिस्ट और डेंटल स्टूडेंट्स के बीच में भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी। इसीलिए हमने उनके साथ मिलकर ये इवेंट किया था और ये काफ़ी अच्छा रहा और उनका काफ़ी सहयोग रहा हमें। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और ख़ासकर यंगस्टर्स का, क्योंकि जो कॉमन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो सब होती हैं, वो एक उसी पे धरे पे चल रही होती हैं कि लेक्चर्स हुए, डिनर हुआ, ठीक हुआ। इन लोगों ने कुछ अलग हटके किया है जो कि इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है, पूल पार्टी एंड ऑल। तो ये भी किया है, साथ में नॉलेज वो भी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यंगस्टर्स का वह है, इन लोगों का इनिशिएटिव, आई रियली अप्रिशिएट देम। इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो अपग्रेड मशीनें आ रही हैं, उनसे चिकित्सकों का कार्य बहुत आसान हो गया है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से चिकित्सा न सिर्फ आसान हुई है, बल्कि सही और सटीक इलाज भी इससे संभव हुआ है। विभिन्न जिलों से शामिल होने आए दंत चिकित्सकों ने कार्यक्रम को सफल बताते हुए इसकी सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहना चाहिए। डॉक्टरों ने बताया कि पहले लोग दांत ट्रीटमेंट के प्रति इतने सजग नहीं थे, पर अब लोगों में इस चिकित्सा के प्रति उत्साह काफ़ी बढ़ गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए दंत चिकित्सकों ने कार्यक्रम की सराहना की। हमने उत्साह डेंटल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन हमारी मुस्कान तिवारी जी ने किया था, जिसको हमने अटेंड किया, और इसमें हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिला। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसके बारे में जानने को मिला, समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं उसके बारे में जानने को मिला, नई मशीनें, नए उपकरण के बारे में जानने को मिला, जिसमें हमें किस तरह इस फील्ड को आगे बढ़ाना है और एकत्रित होकर इस समाज को सुधार थोड़ा करना है। डेंटिस्ट्री के प्रति जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है दांत अपने शरीर की, उसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं, उसके बारे में जागरूक करने के लिए हमने एक सफल मतलब एक कदम उठाया इसके प्रति में।
उत्साह एक डेंटल कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि यहाँ पे काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद काफ़ी सारे डॉक्टर्स को एक साथ लाया गया है, जिसमें कि हम जो बडिंग डेंटिस्ट हैं उन लोग की मानसिकता को हम चेंज कर सकें और उन लोग का ज्ञान का वर्धन भी कर सकें, साथ साथ हम थोड़े बहुत मज़े भी कर सकें। दैट इज़ उत्साह, इसलिए इसका नाम रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जिंदा मरीज का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया है। इस मामले को तूल पकड़ता देख प्रशासन ने दो डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। वहीं पीड़ित पक्ष लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ FIR करवाना चाहता है। जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जिंदा मरीज का डेथ सर्टिफिकेट थमा दिया गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और SP अमित सिंह से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित नंदू नामदेव निवासी दमोह ने शिकायत में बताया कि 2 जुलाई को उसकी जिंदा माँ बेनीबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद माँ को पुनः ICU में भर्ती किया गया जहाँ उन्हें जीवित घोषित किया गया था। आनंद फानंद में मरीज के परिजनों ने डेथ सर्टिफिकेट लेकर फाड़ दिया गया। बाद में 2 दिन बाद 4 जुलाई की रात उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तब मुझे पुनः उनका मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया। भैया जी, मैंने अपनी माँ को 30 तारीख को मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती किया था। 2 तारीख को डॉक्टर साहब ने इलाज करते हुए डेथ घोषित कर दिया उनको और मुझे को डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। उसके करीबन 20 मिनट बाद मेरी माँ की सांसें चलने लगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी माँ को ICU में भर्ती कर दो। उन्होंने ज़बरदस्ती छीन छान के मुझसे वो डेथ सर्टिफिकेट ले लिया और उसको विलंब करते हुए करीबन 1 घंटे बाद मेरी माँ को ICU में भर्ती किया गया और डॉक्टर वो लापरवाही आपस में फोन में बात करते हुए मेरी माँ को ICU में ले गए और 2 तारीख को लापरवाही करते हुए उन्होंने मेरी माँ को डेथ घोषित कर दिया। दोबारा सर्टिफिकेट मुझे बना के दे दिया रात में 11 बजे कि आपकी माँ गुजर गई है। डॉक्टर की इस तरह की लापरवाही से मरीज और उसके परिजन दोनों परेशानी में हैं। पीड़ित पक्ष ने लापरवाह डॉक्टरों पर FIR दर्ज किए जाने की मांग की है। 60 वर्षीय मरीज बेनीबाई नामदेव स्वाइन फ्लू से पीड़ित थी। मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद 60 साल की महिला का डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया था। इस मामले में 2 डॉक्टरों पर गाज गिर चुकी है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने सीनियर डॉक्टर राजीव शाक्य और जूनियर डॉक्टर रघुराजा मसीह को निलंबित कर दिया है। साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन अब पीड़ित परिवार डॉक्टर पर FIR की मांग कर रहा है। अंडरग्राउंड विद्युत कनेक्शन की केबल में फंसकर एक युवक की करंट लगने से घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित रहवासियों का कहना है कि जमीन के नीचे से अवैध तरीके से विद्युत कनेक्शन की केबल लगाई गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रीवा में चौरहटा थाने के BTL फैक्ट्री के समीप एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक शौच के लिए निकला था, उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले केदार कुशवा के बगीचे में जाने वाली विद्युत केबल का तार कटा हुआ था। रास्ते में युवक उसमें फंस गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों ने युवक को उस जगह से हटाया, लेकिन युवक की तब तक मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। 2-3 प्रमुख बातें हैं। एक कि बिजली विभाग ने इतनी लंबी दूरी में कनेक्शन कैसे दिया, जबकि मोहल्लों में कनेक्शन लेने के लिए इतनी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे एरिया में कहीं खंभा नहीं है, ना ही किसी लकड़ी के खंभे से या किसी ऊंचाई से तार गई है, लेकिन ज़मीन से तार गई है। और ये बता रहे हैं कि TC कनेक्शन है, तो इतना लंबा वो भी खुला था और ये खुला तार चूक गया, तो उसके कारण ये घटना हो गई है। इस घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। तहसीलदार ने पीड़ित परिवार को 10,000 की तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। काफ़ी समझाइश के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमीन के नीचे से अवैध तरीके से विद्युत कनेक्शन की केबल लगाई गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। देखिए, एक हमारे यहाँ चोरहटा थाना है, यहाँ पे वार्ड नंबर 2 में फैक्ट्री के पास एक कुशवा समाज के व्यक्ति को करंट लग के उनकी मृत्यु हुई है और पुलिस उस बारे में जांच कर रही है। कुछ इस तरह के पॉइंट्स इसमें विवेचना में आ रहे हैं कि कुछ इलीगल तार वगैरह वहाँ पे, जिसको हम लोग देसी भाषा में कटिया बोलते हैं, लगाए गए थे और उसकी वजह से संभवतः उनको करेंट लगते उनकी मृत्यु हुई है। सभी प्रकार के पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, किस तरह से तार लगे थे और कौन लगा रखा था और क्या किसी की लापरवाही इसमें है। जो भी अगर कोई इसमें हमें ऐसा मिलता है एविडेंस कि किसी की गलती है या किसी की नेग्लिजेंस है, तो उसमें विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है लोगों का है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से महिला के अवैध संबंध थे, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित 3 अन्य को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने 5 को जेल भेज दिया है। छतरपुर के बड़ा मलेरा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बड़ा मलेरा पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि पिछले महीने बड़ा मलेरा स्वास्थ्य केंद्र में राजेश साहू मृत अवस्था में लाया गया था, जिसकी सूचना अस्पताल की नर्स ने पुलिस को दी,
जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की तो पता चला राजेश की मुंह दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले में जब पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पति की हत्या के पूरे राज खोल दिए। मृतक की पत्नी विनीता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले संदीप राय से उसके अवैध संबंध थे, जिसकी भनक उसके पति राजेश को लग गई थी। पति के मना करने पर पत्नी नाराज हो गई और प्रेमी से मिलकर पति को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली। प्रेमी संदीप ने अपने 3 साथियों को 450,000 रुपये सुपारी देकर राजेश की हत्या करने के लिए उन्हें तैयार किया और फिर एक योजना बनाई। संदीप आए और बेचारा का मौत है, कौन एक दो के लगभग हुई है और एक आदमी पकड़े तो पाँव को ना हमने देखो नहीं है ना हमने से सकल देखी, हमें कपड़ा से घर उठाने हम घबरा कर डायरेक्ट आए और डायरेक्ट मतलब अटैक कर दो ना वहाँ पे बस उनके और हम घबरा कर हम बताया जा रहा है कि घर पर सो रहे पति को संदीप और विनीता ने मुंह से दबाया और संदीप के 3 अन्य साथियों ने उसके पैर पकड़े और जब तक राजेश की मौत नहीं हो गई तब तक उसका मुंह दबाए रखा। पुलिस ने मृतक राजेश की पत्नी विनीता और उसके प्रेमी संदीप राय सहित 3 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अदालत में उन्हें पेश किया गया जहाँ से अदालत ने 5ों को जेल भेज दिया है। दिनांक 26/27 की रात में करीबन 1 बजे महिला से फोन पर बात करके दरवाजा खुलवाया और उसके घर में अंदर प्रवेश करके तकिया से पहले संदीप ने उसके मुंह पर तकिया रख दिया और उसके ऊपर बैठ गया, बैठ करके तकिया से मुंह दबा दिया और उसकी पत्नी ने गला दबाया और बाकी अन्य 3 जो थे पैर और हाथ पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये लोग निकल करके ये चले गए। ये अवैध संबंधों को लेकर के उसको रास्ते से हटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हत्या की। फर्जी चेक लगाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कई और मामलों में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल की हबीबगंज पुलिस ने फर्जी चेक लगाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। SP संजय साहू ने बताया कि पकड़े गए आरोपी फर्जी चेक से पेमेंट कर माल को कम दाम में दूसरों को बेच दिया करते थे। आरोपी गाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस ठगी के काम को अंजाम देते थे। आरोपियों ने संजीव कुमार नामक व्यापारी को फर्जी चेक देकर लगभग 92,000 की चपत लगाई। आरोपियों में से एक इंडिगो एक इनोवा गाड़ी बरामद की गई है। आरोपी गौरव त्रिवेदी, गोपाल यादव, धीरज और प्रणय सक्सेना को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों से कई और वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। कपूर पेंट हाउस है, ये 11 नंबर के पास में था। यहाँ से धोखाधड़ी करके इनको 92,000 रुपये का एक चेक दिया और पेंट हाई क्वालिटी का पेंट और इसमें प्राइमर वगैरह लेकर के ये लोग गायब हो गए। इसकी सूचना मिली तो इस पर सूचना पर तस्दीक की गई और तस्दीक करने के उपरांत इन आरोपियों को पकड़ा गया है। इसमें टोटल 4 आरोपी हैं, ये पकड़े गए हैं। इसमें एक प्रमुख जो है वो गौरव त्रिवेदी उर्फ मंजीत है, दूसरा लड़का गोपाल यादव है, तीसरा धीरज शरण उर्फ नितिन है और चौथा प्रणव सक्सेना है। ये 4 लड़के इसमें पकड़े गए हैं और इसमें एक इनोवा गाड़ी पकड़ी गई है और साथ में एक इंडिगो गाड़ी भी पकड़ी गई है। 2 गाड़ियां इन लोगों से मिली है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये अच्छी दुकानों पे जाकर के सामान खरीदते थे और सामान खरीदने के बाद में फर्जी चेक देकर के गाड़ी लेकर के फरार हो जाते थे और फिर इसको कम दामों पर ये सामान को बेच करके और ये पैसा निकाल लेते थे। तो ये इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है और इन्होंने पहले भी कुछ जगह धोखाधड़ी का इस तरीके की वारदातें की हैं। अभी हबीबगंज पुलिस ने इसको पकड़ा है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। रीवा स्थित संजय गांधी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर अब सामाजिक संगठन आगे आए हैं। सामाजिक संगठनों ने संभागीय आयुक्त को 15 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंप कर व्यवस्था सुधारने की मांग की है। अस्पताल में दूर दूर से ग्रामीण एवं शहरी लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाओं का उन्हें शिकार होना पड़ता है। संगठन की मांग है कि प्रत्येक दिन डॉक्टरों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ डॉक्टरों की ड्यूटी का समय का सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। अस्पताल में पार्किंग को लेकर मरीजों के परिजनों को बड़ी परेशानी होती है। पार्किंग वसूली कर रहे लोगों द्वारा मरीज के परिजनों के साथ अभद्रता के साथ मारपीट भी की जाती है। OPD में व्यवस्था सुधारने के साथ साथ ब्लड बैंक में चल रहे गोरख धंधे पर कार्रवाई की मांग इस ज्ञापन में की गई है। आज माननीय आयुक्त महोदय के समक्ष ज्ञापन सभी सामाजिक संगठन सामाजिक विचारधाराओं से पेश लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन का उद्देश्य हमारे विंध्य क्षेत्र में संजय गांधी हॉस्पिटल है जो तमाम वहां अव्यवस्थाएँ हैं। इस संदर्भ में आज हम माननीय आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया है जिसमें संजय गांधी जो ईश्वर के बाद समकक्ष डॉक्टर माने जाते हैं आज वहाँ पूरी तरह व्यवस्था है। डॉक्टर सही समय पर पेशेंट को देख नहीं रहे हैं,
वहाँ की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। इस बाबत इस व्यवस्था को लेकर सामाजिक संगठन के लोगों ने, सामाजिक विचारधाराओं से पेश होकर समाज सेवियों ने, युवाओं ने, बुद्धिजीवी वर्गों ने इस विषय को माननीय आयुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया है। सामाजिक संगठनों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में 70% से ज्यादा दवाइयां डॉक्टरों द्वारा बाहर से मंगाई जाती हैं, जिसे बंद कराया जाना चाहिए। दवाएं अस्पताल में उपलब्ध हों ऐसी व्यवस्था की जाए। डॉक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली 50% दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती है, जिससे पीड़ित बाहर से खरीदने के लिए मजबूर होता है। गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ अस्पताल में मौजूद ही नहीं रहती हैं। अस्पताल में साफ सफाई हो और वार्डों की निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाने की बात इस ज्ञापन में कही गई है। आज विभिन्न तरह के सामाजिक जो संगठन हैं, सब लोगों ने मिलकर के एक आयुक्त महोदय को, रीवा कमिश्नर महोदय को, संजय गांधी और महात्मा गांधी जो चिकित्सालय है, दोनों के विषय को लेकर के ज्ञापन दिया है। स्टाफ काम करता है उनके व्यवहार को लेकर के भी एक दिशा निर्देश यहाँ जारी होने चाहिए। जिस तरह से पीड़ित के साथ यदि पेशेंट किसी तरह से उत्साहित होकर के या हतोत्साहित होकर के वहाँ कोई ऐसे मारपीट की स्थिति निर्मित होती है, वो निर्मित क्यों होती है, उसके कारणों तक जाना चाहिए। अच्छा होगा कि स्टाफ को वहाँ दिशा निर्देश दिए जाए, पीड़ित के साथ और उसके परिजन के साथ जो वार्तालाप करे वो संवेदनशील स्तर पर हो, वह एक मानवीय स्तर पर हो, साथ ही जिसके वार्तालाप के समय जो मारपीट की नौबत आती है इसे दूर किया जा सके। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको लेकर के ये ज्ञापन है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली, जो आपको अपने ही अंदाज में सुनाएंगे भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, आजकल तो ऐसे बल्ले बल्ले हो रही है राजनीति में, खूब डंडे बल्ले खूब चल रहे हैं, अधिकारियों को पिटाई हो रही है। मैं तो अधिकारियों से बोल रहा हूँ, भैया हेलमेट वगैरह पहन के जाओ, ये कोई भरोसा नहीं कोई बल्ला लेके आ जाए। हाँ, ये आकाश विजयवर्गीय हैं, कैलाश विजयवर्गीय की बेटी हैं, इंदौर से विधायक है, इन्होंने बल्ला लेके अधिकारी की पिटाई कर दी। वो बताया वो जेल भी चले गए उस चक्कर में, और जेल से छूट के आया तो उनका ये सब स्वागत हुआ जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़के आ रहे हैं, बता रहा हूँ। ये तो आजकल चल रहा है, ये निवेदन धनादन और निवेदन या क्या कौन से संस्कार आ गए हैं पार्टियों में, ये तो चल रहा है। मोदी जी ने भैया खुल के बोल दिया है, बोले ऐसे किसी का भी बेटा बेटा हो बेटी उनको भगाओ, ऐसे लोगों को पार्टी में, भैया ये पार्टी की इज्जत खराब कर, ये तो चल रहा है। और वर्ल्ड कप में देखो, इंडिया जो इंग्लैंड का मैच हुआ था उसमें इंडिया हार गई, और पाकिस्तानी पाकिस्तानी लोग संस्कार वाले हैं बता रहे हो, ऐसा दुख हुआ उनको भाई के हारने का, ऐसे वलल वलल करके आंसू बहा रहे थे, पुराने खिलाड़ी भैया थे वलल वलल करके रो रहे थे। हाँ, वो अभी मैं बता रही हूँ, बाद में मेरे को समझ में आई कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप से बाहर होने जा रही है। हाँ, असली बात बाद में समझ में आई मेरे को। और फिर ये एक बात बता रही हूँ, अभी ये जो इनका मैच होना है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश बहुत तगड़ी टीम है, इंडिया को भी पसीने आ दी, तो इनका तो बाहर निकलना चाहिए है। हाँ, तो यह खबर ये सुन लो, बैंकों में रिकवरी के लिए जो बाउंसर भेजते थे अब नहीं भेज सकते, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया है। और मैं बता रहा हूँ बाउंसर लोग के बेरोजगार हो जाएंगे, वो गला पकड़ेंगे उनका, मैनेजर कहा गए बोले हमें सैलरी वसूलना भी आता है। हाँ, ये तो उठा उठा के भटकेंगे। ये तो है वो, यह खबर ही मजेदार खबर, ये देखो कामानी एक्सप्रेस में सांप निकल गया। अरे भैया सांप निकला वो भी है ट्रेवल करके अपने रिश्तेदारों वगैरह से मिलने जा रहा हो, आजकल ये बारिश का मौसम है। और एक उनको पकड़ने के लिए अखिल बाबा को बुलवाया, अब वो उनको पकड़ के ले गए, टीसी आया था टिकट विकेट पूछ रहा था, उस टीसी पे फुफकार पड़ा, वो टीसी भाग गया छोड़ के। हाँ, और ये खबर ये देखो, ग्वालियर में 18 घंटे बिजली नहीं रही, तो बताओ वो लोग है ना फिर वहाँ बिजली घर पहुँचे, उनका वहाँ मिल जाएगी, वहाँ ताला लगा हुआ था, ये तो सब चल दिया है। वो आजकल तो भैया ऐसे छापे आपे पड़ रहे हैं, छापे में किसी का 1 किलो सोना, ये 10 लाख नोट निकल रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ इतनी मेहनत से कमाती है, भ्रष्टाचार करती है, उसको अच्छे गाड़ गुड़ के रखो, उसका कोड वोड जैसे पुराने ज़माने में किलो विलो में रहते थे ना जैसे बना बनू के रखो, ये तो छापे वालों को भी पता नहीं लगे। और जो पैसा जरा ज़्यादा पड़ा हुआ है उसको गरीबों में बढ़वा दो, मैं कह रहा हूँ फिर आ जाओ फिर कमा लो, उसमें क्या है। और ये खबर ये देख लो, ये कैनेडा ये कार्टूनिस्ट है माइकल डी एडर, उन्होंने ये कार्टून बना दिया ट्रंप के ऊपर, वो मैक्सिको बॉर्डर पर जो फोटो छपाता नहीं पिता बेटी का जो मर गए बेचारे बॉर्डर क्रॉस करते हुए रिफ्यूजी वगैरह थे, तो इन्होंने ये वो बनाया और उसके बगल में वो दिखा दिया ट्रंप को, तो अपनी गोल्फ कार्ट लिए खड़े हुए हैं और वहाँ गोल्फ खेलना चाहते हैं। ये कार्टूनिस्ट जो होता है वो संवेदनशील होता है, संवेदनाओं को व्यक्त कर रहा है, अब उसकी नौकरी और चली गई, बता नहीं हूँ हिंदुस्तान में तो नौकरी क्या होता है, हिंदुस्तान में तो जेल में भेज देते हैं सीधे, ये ऐसे असंवेदनशील राजनेता हुआ है बता रही हूँ। कार्टून ये हंसने हंसाने की चीज़ होती है, वो गंभीर बात हंसा के कहता है कार्टूनिस्ट, उसको सम्मान करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, बता रही हूँ ये तो चल रहा है।
ये खबर ये देख लो, अम्बाती रायडू जो है क्रिकेटर, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, इनका वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अरे मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना कॉम्पिटिशन है, एक से एक क्रिकेटर हैं अपने, फिर से चांस मिलता है, संन्यास लेने की क्या जरूरत है, अभी तो आपका शुरुआत हुई है, और भी चांस मिलेंगे, ये तो रोटना मनाना नहीं होना चाहिए। ओ भैया मुंबई में तो यदि बारिश हुई है भलर भलर करके पूरा मुंबई लबालब हो गया है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हर आदमी आजकल घरों के सामने वो सीमेंटेड वगैरह करा देता है, पानी जाने की जगह ही नहीं रहती, पानी जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ बेचारा, नहीं और भरेगा वो तो। और मैं कह रहा हूँ अलर्ट हो जाओ अपने शहरों में, ऐसा मत करो वरना है ना आपके शहर में भी यदि भलल भलल हो जाएगा, और बोटों तो जाना पड़ेगा ऑफिस। हाँ मैं भैया मैं भी जा रहा हूँ अपने शहर में, देखो बारिश बारिश होने वाली है, नाव खरीद लूँ। नमस्कार। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।